कैमरे च कैद हुई यह तस्वीर सारी कहानी आप बयान कर रही ने, जिथे उस वेले महिला कमिश्नर की चेयरपर्सन की हर पास तारीफ होने लग पई जदों प्रसिद्ध सिंगर के घर का कलेश तहलीज पर कर गया सी। ते फिर जो होया वह सारे ने देखा कि किस कदर लैंबर हुसैनपुरी दियां सालियां ने उसते कई इल्जाम लगाए। पर इस सब रौले दे विच इक चंगी खबर इस वेले सामने आ रही है, जिसनों सुन के तुसी भी अपनी राय जरूर देना। एक पॉजिटिव थिंग से कि हर माँ प्यो का सपना होंगे अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, और ये बहुत सारिया गल्ला मैं जनमन लगिया सी, इस करके उन्हें सपोर्ट किया से, क्योंकि उन्हें वाइफ की स्टेटमेंट नहीं लिखी सी। अज वाइफ को बुलाया गया सी, अज वो आए पहले वाइफ को ही सुनिया गया। तो जड़िया कुछ शिकायत सी कि टाइमिंग में लैके कि उनका एक अग्रेशन निकल के लैंबर का फैमिली उत्ते आता है, उन्हें वाइफ की काउंसलिंग थोड़ी की कि जो इंसान एक योजे प्रोफेशन में चुनता है, कोविड की सिचुएशन ने स्ट्रेस वध्या होया हुए उन्होंने चीज़ों कॉम्पीटिशन इन्ना वध गया उस प्रोफेसन भी सिंगिंग जरा उन्होंने प्रोफेसन थोड़ा जहा समझाया गया कि कई बार चीज़ा ए पार्ट इंडियन फैमिली का एक हिस्सा है कि अच्छे चीज़ा निकल के आ गई। समझाया बड़ी खुशी है उस चीज़ा को समझी। मेन जरा कंसर्न से रिश्तेदारा को लैके करके चीज़ा इन्हें हसबेंड वाइफ और बच्चे फेस रहे सर। बच्चों मैं पूछा कि क्या पापा मारते कुटते हैं, बच्चे कहते सी पढ़ाई को लेके कि सारा दिन ऑनलाइन क्लासेस हो रही है मोबाइल से। लैंबर को समझा दिता गया कि टाइम नहीं इदा का, ऑनलाइन ही सारा कुछ चल रहा है। बाकी रिश्तेदार की एंट्री स्ट्रिक्टली बैन कर दी गई है। सालिया लैंबर दी वाइफ नू समझाया कि अल्टीमेटली तुहाडी लाइफ तुहाडे बच्चे और तुहाडी हसबेंड भी ने, तुहाडी दुनिया जिंदगी इहो ही है। ते उनकी वाइफ ने एग्री किया। उन्होंने बार बार अपना यह भी पूछा कि क्या तुम्हें यह तो नहीं लग रहा कि मैं काउंसलिंग कर रही हूँ कि तां तुसी सहमत हो गए हो, हार मंगवा के उन्होंने हार पुआए गए। एग्री किया दोनों ने। तो मैंने एक बड़ा पॉजिटिव देखा कि शायद यह पानी मधानी मारी जा रही है, परिवार बिखर जाता जे आप इंपुलेंस ना करते बच्चे। तो खुशी है दोनों ने एग्री किया, सहमति दोनों तो लिखवा लिया गया, रिश्तेदार की एंट्री बंद कर दी गई कि एक परिवार टूटे ना। इंडियन औरतां होंदियां ने ना मायके दे इन्फ्लुएंस चाहे मैं होवां बहुत जल्दी आ जांदियां ने ना, इस चीज का बड़ा फर्क पैंदा। ते अज दी जिहड़ी स्मार्ट औरत है उन्हें चाहिए इन्हां चीज़ां नूं बैलेंस करे, अपनी प्रायोरिटी देखे। लैमर नूं भी समझाई, एक गल समझाई, कल्ले समझाई है मैं उन्हूं कि औरत सब कुछ सहन कर सकती है, अपने मायके की बुराई मूँह ते उन्हूं ना बोलो। खुशी जीवन का एक सफल एक रहस्य भी है, इन्हें एक्सैप्ट करो कि औरत दे मूँह ते उन्हें मायके की बुराई बिल्कुल ना करो। पर जे इस तरह के तुहाडे तीन बच्चे ने, इन्नी अच्छी फैमिली है, इनफ्लुएंस हो रही है, परिवार टुट रहे हैं, उत्थे रिश्तेदार की एंट्री बंद कर देनी चाहिए। तुहाडी सब तो प्रायोरिटी स्ट्रेंथ है। लैंबर नूं समझाया कि तू बहुत अच्छा कर सकता है, तू जिहड़ा एक लोगों का सपोर्ट मिल रहा है इन्हूं पॉजिटिव वे च अपने प्रोफेशन च लैके जा, अपने परिवार उत्ते ना लैके आ। उन्हें एग्री किया, मैनूं बड़ी खुशी हुई, उन्हें मेरे पैरों नूं हाथ लगाया कि तुसीं एज ए वड्डी सिस्टर की तरह सानू समझाया, साडा बच्चों नूं जफी पवाई, बच्चों के गिले शिकवे दूर किए। जो नज़र आ रहा सी कि बच्चे जो बोल रहे ने वह बच्चों का अपना माइंड नहीं सी, तो बच्चों ने मैनू कुछ नहीं किया। बच्चों का एक ही कंसर्न सी जो एक फादर का फर्ज है, बच्चों की पढ़ाई लिखाई में लैके हर माँ प्यो एक सपना देखता है कि साडे बच्चे पढ़ लिख के कुछ बनन, वो कंसर्न नज़र आया लैमर का। हर माँ प्यो का फर्ज ही है, माँ का फर्ज ही है कि इन्हां चीजां नूं बच्चियां नूं रोकना टोकना। इंटेंशन किसी का रिलेटिव्स दा क्यों इन्फ्लुएंस कर रहा सी किते ना किते, तुसी समझ रहे हो इंडियन फैमिली से जदों छोटियां गल्लां सिस वाइफ अजकल दी औरतां छोटी छोटी गल मावां नाल भैणां नाल करन लग जांदियां ने ना, वो छोटियां गल्लां वड्डियां बन जांदियां ने। पर हले साली चौधरी हले भी सैटिस्फाई नहीं लगी, मतलब नहीं लगी ते साली नूं आपां पेंट्री बैन कर दी की कर लेगी, साली नूं भड़काता आपां, साली कौन है, कोई साली नहीं। लैमर और उन्दी वट्टे जरूरत नहीं साली दी, मैं कह तूं अपने घर तैनूं कोई शिकायत है, कहिंदी साडे नाल मार कुटाई कीती, शिकायत है तूं अपनी अलग तों कंप्लेंट दे, पर तेरी इहनां दे जीवन विच कोई रोल नहीं। उन्दी वाइफ नूं समझाता
ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਛੁੱਟੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਵੀ ਛੁੱਟਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟਾ ਸਕਦੇ ਪਰ ਮੈਂ ਲੈਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਕਨਵਿੰਸ ਕੀਤਾ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਆਓ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬੈਸਟ ਫਿਊਚਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵਧੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਾਹਰ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਿਟੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭੈਣਾਂ ਨਾਲ ਕੰਸਰਨ ਹੈ ਇਹ ਵਾਪਿਸ ਆਏਗਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪਰ ਐਂਟਰੀ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਹੋਏਗਾ ਐਗਰੀ ਕੀਤਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਚ ਗਿਆ ਸਾਡੀ ਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵਿਦ ਮੀਡੀਆ ਸਪੋਰਟ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ ਪਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਸਰਨ ਸੀ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਣ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋਗੇ ਮੈਮ ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੂਜੀ ਚੰਗੀ ਚੰਨੀ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਉਹ ਹਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਆਏਗੀ ਬਾਰ ਬਾਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਜ ਲੈਂਬਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲੈਂਬਰ ਦੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਿਵ ਵੇ ਚ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੋ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਔਰ ਸਟਰੈਂਥ ਬਣੇ ਰਹੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਟ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਵਰ ਹੈ ਕਿ ਕਾਫੀ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਫੋਨ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਫੋਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਹਿਣਾ ਕੁਛ ਤੋਂ ਲੋਕ ਕਹਿੰਗੇ ਆਈ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਜਦੋਂ ਆਏਗਾ ਜਵਾਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਖਤਮ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਦੀਆਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਧਾ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਲੇਸ਼ ਵਧਦਿਆਂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ